myself dr fatima sultana associate professor in department of zoology jdb government girls college kota today we are going to discuss life history of salpa salpa is found in almost all seas as a free swimming pelagic animal it occurs in two phases an asexual oozoid or solitaria form and a sexual blastozoid और ग्रिगेरिया फॉर्म साल्पा जो है वो कॉस्मोपॉलिटन है सभी जगह पाया जाता है सी में खारे पानी में और ये फ्री स्विमिंग होता है दो फेजेस में पाया जाता है ए सेक्शुअल और सेक्शुअल ए सेक्शुअल फॉर्म को हम ऊजॉइड कहते हैं और ये सिंगल पाया जाता है इसीलिए इसको सॉलिटेरिया फॉर्म कहा जाता है और जो सेक्शुअल है उसको ब्लास्टोजूड कहते हैं और ये चेन की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं इसलिए इसको ग्रिगेरिया फॉर्म कहते हैं सो वी सी दैट सेल्पा आकर्स इन टू फेजेस एसेक्शुअल उजॉइड एंड सेक्शुअल ब्लास्टोजोइड। साल्प्स आर क्लोजली रिलेटेड टू द पैलेजिक ट्यूनिकेट ग्रुप्स डोलोलीडिया एंड पायरोसोमा एज वेल एज टू अदर बॉटम लिविंग विच आर नोन एज बेंथिक ट्यूनिकेट्स सैल्पा का अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो किंगडम एनिमेलिया फाइलम कॉडेटा सब फाइलम ट्यूनिकेटा क्लास थैलेसिया ऑर्डर सेल्पीडा एंड फैमिली सेल्पीडिया दूसरे ग्रुप्स की तरह है जैसे डोलेलीडिया और पायरोसोमा या अदर जो बॉटम लिविंग यानी सम सी के बॉटम में रहने वाले ट्यूनिकेट्स के सिमिलर जो है ये पैलेजिक ट्यूनिकेट है ये जेलीफिश की तरह ये ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है और प्लैंक्टोनिक बिहेवियर यानी प्लैंक्टन्स को फीड करने वाला सिंपल बॉडी है ये जेलीफिश की तरह है बट स्टिल वी नो दैट दे आर कॉडेट्स पर ये कॉडेट्स हैं ये क्योंकि इनमें डॉर्सल नव कॉड पाया जाता है दे आर एनिमल्स विथ डॉर्सल नव कॉड रिलेटेड टू वर्टिब्रेट्स नाउ बिफोर यू कैन सी द ट्रांसपेरेंट बॉडी ऑफ द सेल्प किस तरह से ये जली फिश की तरह ही दिखाई दे रहा है ट्रांसपेरेंट बट इसका जो स्ट्रक्चर है वो बैरल शेप्ड होता है और मैं चाहती हूँ कि आप आगे हम देखें इससे पहले एक वीडियो फिल्म आप देखें उ सैल्पा इज फाउंड इन दी इन असोलिटे फॉर्म एंड ग्रिगेरिया फॉर्म ट्रांसपेरेंट होता है इसका शरीर और किस तरह से चेन की तरह फिफ्टीन फीट लंबे चेन की तरह ये सी के अंदर पाया जाता है सैल्पा जो है बैरल शेप्ड होता है और प्लैंकटिक ड्यूनिकेट्स हैं जो प्लैंकटम्स पे फीड करता है इट मूव्स बाई कॉन्ट्रैक्टिंग देयर बाई पम्पिंग वाटर थ्रू इट्स जेलिटेनियस बॉडी वन ऑफ द मोस्ट एफिशेंट एग्जाम्पल ऑफ जेट प्रोपलशन इन द एनिमल किंगडम जेट प्रोपल्शन हमने डोलोलियम में भी देखा था कि किस तरह से वाटर जो है ब्रैंकियल अप्रोचेज से होके जब एट्रियल अप्रोचेज से बाहर निकलता है तो वाटर जो है बाहर की तरफ पुश होता है और एनिमल जो है वह आगे की तरफ बढ़ जाता है जैसे कि रॉकेट एंड एंडफोर इट इज एन बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ जेट प्रोपल्शन द सेल्प स्ट्रेन्स द पम्पड वाटर थ्रू इट्स इंटरनल फीडिंग फिल्टर्स फीडिंग ऑन फाइटो इनके अंदर जो फिल्टर ये जो सेल्प्स हैं ये फिल्टर फीडिंग का काम करते हैं और पानी के साथ जो प्लैक्टन्स हैं उसको वो फिल्टर करते हैं और प्लैक्टन्स पे फीड करते हैं ये इसीलिए इनको प्लैंकटिक ट्यूनिकेट्स भी कहा जाता है इसके अंदर जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं सेल्पा का है वो है एसेक्शुअल फेज जो कि सॉलिटेरिया है सिंगल है ये ब्रेंकअल अपर्चर आगे की तरफ और पीछे एट्रियल अपर्चर और टेस्ट प्रोसेसर्स जो है ये दोनों साइड में आप देख रहे हैं और उसके साथ छोटे दो लेंसेट्स भी हैं हार्ट प्रेजेंट है इसके अंदर एलिमेंट्री सिस्टम प्रेजेंट है नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है इसके अंदर और ओवरी और टेस्ट भी पाए जाते हैं। आर कॉमन इन हैंक्वेटेरियल टेम्परेट एंड कोल्ड सीज वे दे कैन बी सीन एट द सर्फेस सिंगली और इन लॉन्ग स्ट्रिंगी कॉलोनीज़। द मोस्ट अबेंडेंट कंसेंट्रेशन ऑफ सैल्प आर इन द सदर्न ओशियन नियर अंटार्कटिका वेर दे समाइम्स फॉर्म अनॉर्मस फॉर्म्स ऑफन इन डीप वाटर साल्प जो है वो इक्वेटोरियल टेम्परेट और कोल्ड सीस में पाए जाते हैं और सबसे अधिक तादाद में जो है ये सदर्न ओशन में देखे जाते हैं पाए जाते हैं ये और जब फूड अच्छे मात्रा में होती यानी प्लान्ट की संख्या बहुत अच्छी होती है तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन है जो एसेक्शुअल फेज है वो इतना फास्ट मल्टीप्लाई करता है कि स्वान्स ऑफ साल्पा कैन बी सीन इन चेन फॉर्म बहुत सारे प्लैंग साल्पा uh, जो है वो सी में देखे जा सकते हैं जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं सच टाइप ऑफ चेन्स कैन बी सीन अप टू लेंथ ऑफ फिफ्टीन फीट साल्पा का जो स्ट्रक्चर है वो ट्रांसपेरेंट है सॉलिटेरिया या फिर वो चेन की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए दोनों ही अवस्था में जो है सी के अंदर देखे जा सकते हैं टोल्ड इट इज अ ट्रांसपेरेंट एंड स्मॉल पैलेजिक मैरीन क्रिएचर मैरीन वाटर में यानी खारे पानी में पाए जाते हैं ये और फ्रीली स्विमिंग और चेन की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए दोनों अवस्था में पाए जाते हैं ए जो है उसके अंदर जो डिफरेंस है ए सेक्शुअल और सेक्शुअल ऊजॉइड और ब्लास्टोजोइड ए सेक्शुअल को हम ऊजॉइड कहते हैं इट्स बॉडी इज कवर्ड बाय अ सॉफ्ट जेलेटिनियस टेस्ट क्लोजली अटैच विदेंटल द बॉडी इज ओवरऑल हैविंग ब्रैंकियल एंड एट्रियल एपरेचर एट द ऑपोजिट एंडस द न्यूक्लियस इज ओपेक विच कंटेन्स द हार्ट एंड द एलिमेंट्री कैनाल मसल बैंड्स आर सिक्स टू नाइन सी शेप्ड इनकम्प्लीट वेंटरली एट्रियल बैंड इज कम्प्लीट वायल द ओरल बैंड इज प्रोलोंग्ड इन टू लिप्स एंड एक्ट एजर देर कॉन्ट्रैक्शन एजेक्ट वाटर थ्रू द एट्रियल अपर्चर एंड द एनिमल इज प्रोपेल्ड फॉरवर्ड तो साल्फा का जो एसेक्शुअल स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो ब्रेंकीयल और एट्रियल अपर्चर दो अपोजिट एंड्स में हैं आगे की तरफ ब्रेंकीयल और पीछे की तरफ एट्रियल अपर्चर इनके जो मसल बैंड्स हैं वो छः से नौ के करीब होते हैं और ये सी शेप्ड होते हैं क्योंकि वेंट्रल साइड से ये इनकम्प्लीट होते हैं और जो ओरल एट्रियल बैंड है वो कम्प्लीट होता है और जो ओरल बैंड है वो लिप्स की तरह यानी स्पिंक्टर के फॉर्म में रहता है तो इसके कॉन्ट्रेक्शन से जो है वो वाटर जो है एट्रियल अपर्चर से एजेक्ट किया जाता है एंड दिस कॉजेज द प्रोपोलशल मैकेनिज्म जो जेट प्रोपल्शन मैकेनिज्म जो देखा जाता है दैट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ओरल बैंड द स्पिंटर्स प्रेजेंट एट ओरल बैंड द वाटर इज एजेक्टेड थ्रू द एट्रियल अपर्चर एंड द एनिमल इज प्रोपल्ड फॉरवर्ड्स Here you can see the structure of the salpa. The body is transparent. The muscle bands are C-shaped. That is, they are incomplete from the ventral side. Digestive system. If we the branchial aperture is wide and guarded by movable upper and lower lips, which are acting as sphincters. It leads into a tubular buccal cavity. Which is followed by a prebranchial zone of pharynx and then large elongated pharynx. It has a dorsal lamina and a central endostyle. The side walls of pharynx have no stigmata and freely communicate with the atrial cavity on each side. Dorsal tubercle is located near the tentacular lancute, formed by the anterior end of dorsal lamina.

वो एक लंप की तरह दिखाई देता है जो ट्रांसपेरेंट बॉडी में येलो एक बड़े से डॉट की तरह जो दिखाई देता है दैट इज एक्चुअली द इंटेस्टाइन द रेक्टम रीजियम एंड द एट्रियम थ्रू द एनस वेयर इट इज़ ओपनिंग आउटसाइड In nervous system it has a nerve ganglion that lies near the anterior end gills and gives off many nerves above the nerve ganglion is present a U-shaped pigmented ridge like eye in some species one or more lateral ocelli are also present heart is present near the stomach it gives off many vessels to the various organs of the animal branchial sac receives many transverse vessels from the dorsal and central arota the asexual oozoid has no gonads any ovary or testis is nahi hota hai but it has a stolon arising from near the endostyle the stolon elongates and segments into a chain of buds which break off in groups to form the sexual blastozoids और ग्रेगेरिया स्टेज विच लेटर सेपरेट तो ऊजॉइड्स जो हैं इनके अंदर गोनाइड्स नहीं होते हैं पर ये जो स्टोलॉन हैं उसमें से जो है चेन ऑफ बर्ड्स बनते हैं और ब्रेक ऑफ होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेक्शुअल ब्लास्टोजोड्स जो कि ग्रगेरिया स्टेज है यानी चेन लाइक -like, जो बाद में सेपरेट होते हैं The sexual blastozoid has a testes and an ovary with a single ovum, but it has no stola. Ovary is unpaired, any yani single hair, located near the right side of nucleus. It opens through oviduct into the atrium. Testis is paired tubular branched structure near the nucleus on either side of the intestine. Both open independently into the atrium. Sexual blastozooid has a general structure like an asexual zooid, but it differs in being smaller. The body is asymmetrical with no test processes. Number of muscle bands is fewer. Gonads are present and there is no stolon. It produces a single egg at a time.

एक सिंगल एग रिलीज होता है दैट इज़ इट प्रोड्यूस ओनली वन सिंगल एग क्योंकि चेन की तरह ये अटैच्ड है और इसमें ओवा जो है वो पहले मेच्योर होता है तो इसके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है यानी जो आगे के ब्लास्टोजोड्स हैं वो पीछे वाले ब्लास्टोजोड्स के साथ क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेंगे and that is because the animal is protogynous that is the ova matures first iska jo structure hai isme jaise lancets absent hai side mein jo दो लैंसर्ट्स दिखाई दे रहे थे asexual phase फेज में वो इसके अंदर एब्सेंट हैं और इसके अंदर जो है बॉडी जो है वो एसिमेट्रिकल है और मसल बैंड्स जो हैं वो कम होते हैं ए सेक्शुअल फेज के कंपैरिजन। गोनेट्स प्रेजेंट होते हैं और स्टोलॉन एब्सेंट होता है जबकि ए सेक्शुअल स्टेज में स्टोलॉन जो है वो लंबा होता है और उसके साथ बर्डिंग होकर के अ सीरीज ऑफ बर्ड्स आर फॉर्म्ड बट इन दिस सेक्शुअल फेज व्हाट वी सी ओवरी और टेस्टीज दोनों इंडिपेंडेंटली एट्रियम में ओपन होते हैं बट ओवा पहले रिलीज होता है इसीलिए जो पूरी चेन होती है सैल्पा की वो आगे वाले चेन के सैल्पा पीछे वाले चेन के सैल्पा से क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल बिफोर फर्टिलाइजेशन द स्टॉक लाइक ओविडक्ट शॉर्टेंस एंड ड्रॉस द ओवरी टुवर्ड्स द डॉर्सल साइड ऑफ द न्यूक्लियस The ovary is now enclosed in a lumen having a relation with the atrium. Fertilization of a single ovum occurs within this lumen. After fertilization, the oviducal opening becomes closed and ovarium epithelium forms a sac like structure around the ovum. Ovum jo, ovah, jo release. Hota hai, वो ओवरी से निकल करके एक ल्यूमन में आ जाता है एट्रियम के पास और उस ल्यूमन के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है एंड देरफोर द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो ओपनिंग क्लोज हो जाता है और ओवेरियम एपिथीलियम जो है एक सैक लाइक -like स्ट्रक्चर बना देता है अब डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट है दैट इज देर इज नो लार्वल स्टेज and it takes place within the body of the parent cleavage you have a holoblastic the developing embryo projects into the branchial cavity the nourishment of the embryo occurs by the formation of a diffusion placenta through which a close union is brought about between the vascular system of the parent and that of the embryo the placenta of salpa is partly formed from follicle cells एंड एक्टोडम सेल्स ऑफ द एम्ब्रीओ एंड पार्टली फ्राम द सेल्स ऑफ द ओविडक्ट तो डेवलपमेंट क्या हम देखते हैं वो डायरेक्ट है देर इज़ नो लार्वल स्टेज इन बिट्वीन और डेवलपमेंट जो है वो पेरेंट के बॉडी के अंदर ही होता है क्लीवेज होलो प्लास्टिक होता है इसके अंदर और जो डेवलपिंग uh, एम्ब्रियो है उसको जो भोजन है वो कहाँ से मिलता है प्लासेंटा और ये जो प्लासेंटा है वो साल्पा आ, कुछ जो पार्ट है वो फॉलिकल सेल्स का होता है और कुछ जो है वो ओविडक्ट के एक्टोडम सेल्स के द्वारा तो दोनों के पार्टली कॉम्बिनेशन से जो डिफ्यूजन प्लासेंटा फॉर्म होता है दैट मेक्स द कनेक्टिविटी बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द पेरेंट दिस इज दैजिटल सेक्शन जिसके अंदर आप क्लियरली ब्रेंकील एपर्चर देख सकते हैं आर्ट्रियल एपर्चर पॉस्ट पीछे की तरफ है टेस्टिस ओवरी और जो फैरिंग्स और फिर ईसोफेगस इंटेस्टाइन स्टमक ये सब आप इसके अंदर साइड व्यू में क्लियरली देख सकते हैं नर्व गैंगलियन जिसमें से नर्वस निकलती हैं पूरे बॉडी को सप्लाई करता है हार्ट पूरे बॉडी को पंप करता है सेगमेंटेशन इज कंप्लीट ड्यूरिंग सेगमेंटेशन देर इज अ माइग्रेशन इनवर्ड्स ऑफ सम ऑफ द सेल्स ऑफ द फॉलिकल एंड द वॉल ऑफ द ओविडक्ट जो इन्वेजिनेशन टाइप जो हो रहा है जिसमें सेगमेंटेशन में क्या होता है कुछ कोशिकाएं जो है वो अंदर की तरफ माइग्रेट कर जाती हैं एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड कैलिमनोसाइट्स एंड पॉसिबली दे कैरी नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्बरीओ और ये जो है कैलियमसाइट्स हैं ये डेवलपिंग एम्बरीओ को नरिश करने के लिए सेल्स कैरी करते हैं दिसा ब्रोकन अप एंड इवेंचुअली कम्प्लीटली एब्सॉर्ब जो सेल्स इनवर्ड माइग्रेट हुए हैं वो सेल्स जो है उस डेवलपिंग एम्बरीओ को नरिशमेंट दे रहे हैं ब्रेक हो जाते हैं और पूरी तरह से वो एब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं देर इज नो टेल लार्वा स्टेज एज आई टोल्ड यू दैट द डेवलपमेंट इज डायरेक्ट देर इज नो टेल लार्वा स्टेज द एम्ब्रियो डेवलप्स द मसल बैंड एंड ऑल द कैरेक्टरिस्टिक पार्ट ऑफ द एडल्ट वाइल प्रेजेंट विद इन द पेरेंट्स बॉडी द सेक्शुअली प्रोड्यूस्ड एम्ब्रियो ग्रोस इन टू अ सॉलिटरी एसेक्शुअल ऊजॉइड which escapes from the parent and becomes free swimming after a time their growths are stolon on the surface of which are formed a number of bud-like projections these increase in size as the stolon elongates and each takes the form of a sexual salpa the chain of zooids formed on stolon breaks off in groups and swim as such while reproductive organs develop in ईच तो जो डायरेक्ट डेवलपमेंट था जिसके अंदर कोई लार्वल स्टेज नहीं है वो जो है किसमें जो एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा था वो पूरा से मेच्योर हो करके बाहर रिलीज हो जाता है एंड दैट बिकम्स द एसेक्शुअल ऊजॉइड सोलिट्री ए सेक्शुअल ऊजॉइड की तरह वो पेरेंट्स पेरेंट parent के अंदर से वो बाहर आ जाता है और वो फ्री स्विमिंग ओजॉइड इसके अंदर स्टोलॉन ग्रो करता है और ये स्टोलॉन जो है बर्ड लाइक प्रोजेक्शंस से जो बडिंग हो रही है उससे अब फिर बनते हैं सेक्सुअल सेल्पा जो कि चेन की तरह प्रेजेंट रहते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए और ये स्टोलॉन जो है कुछ कुछ लंबाई में जो है वो ब्रेक होते हैं और बाहर स्विम करते रहते हैं ब्लास्टोजूड्स क्शुअल सेक्शुअल फेज़ जो कहते हैं वो हैं ये और इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होते हैं सो वी सी दैट सेल्पा इज डाइमरफिक और इसके अंदर जो है वो सेक्शुअल फेज और एसेक्शुअल फेज दोनों ही जनरेशन देखे जाते हैं देर फॉर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ Thank you.